हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई की बहुत ही फेमस वड़ा पाव की सूखी चटनी की रेसिपी, जिसको कि आप एक बार बनाइए और महीने भर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको वड़ा पाव के साथ खाएं, इडली डोसा के साथ खाएं, मोमोज के साथ खाएं, या फिर रोटी दाल चावल पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बनाना इसको बेहद आसान है, तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपको लेनी है कोई पैन या कढ़ाई और उसको हीट करने के लिए रख देना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। अब इसमें हम डालेंगे घिसा हुआ नारियल। तो यहाँ पर सूखा नारियल हमने लिया है, घिसा हुआ नारियल है, आधा कप के करीब है, और इसको हम पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसको हम इस तरह से लो फ्लेम पर भून लेंगे, लगभग 30 सेकंड्स भूनना है, और इसके बाद में बारी बारी से इसमें हम चीज़ें डालते जाएंगे। तो नारियल बहुत जल्दी जलता है फ्रेंड्स, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब रोस्टेड पीनट्स, यानी कि भुनी हुई मूंगफली। आप कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं, और सबसे पहले कढ़ाई में मूंगफली को भी भून सकते हैं, और उसके बाद में आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली डाल दी, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो 15 से 20 कली लहसुन मैंने डाली है। लहसुन की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7 से 8 लाल मिर्चें डाली हैं, सूखी लाल मिर्च का यूज़ किया है तीखापन देने के लिए, और लाल मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना। तो देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। देखिए, नारियल में कलर आना शुरू हो गया है, तो ये एक पहचान है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स भुन चुके हैं। मूंगफली पहले से भुनी हुई थी, लाल मिर्च को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा हमें मॉइस्चर इसका उड़ाना था। लहसुन को भी बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने इस तरह से प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया, और अब इसको ट्रांसफ़र हम करेंगे मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में। पानी वगैरह, तेल वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको हमें पल्स करते हुए ढक्कन लगाकर पीसना है। पर पीसने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि बिल्कुल तीखा नहीं होता है, पर हमारी चटनी को बहुत अच्छा ब्राइट रेड कलर देगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट। तो वैसे तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, पहले कम डालें, बाद में डालकर देखें, अगर कम लगे तो कभी भी मिला सकते हैं। ढक्कन लगाकर पल्स करते हुए पीस लें। तो देखिए, यहाँ पर हमने पल्स करते हुए पीस लिया, चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं, एकदम ब्राइट रेड, बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। और इसकी खुशबू तो मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी टेस्टी है ये बनी है। और इसको आप मोमोज के साथ खाएं, जैसे मोमोज की फिलिंग के अंदर आप डालें, या फिर मोमोज के साथ खाइए, डोसे के ऊपर डाल के साथ आप खाएं, वड़े के साथ खाएं, सांभर के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है खाने में। रोटी के ऊपर बुरक कर आप खा सकते हैं, रोल बनाकर, पूड़ी के ऊपर आप खा सकते हैं डालकर, रोल बनाकर, बहुत टेस्टी ये लगती है, और दाल चावल के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। तो मेरे तो मुंह में अभी भी ऐसे ही बताते वक्त पानी आ रहा है। आप भी इसको बनाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैं तो इसको बनाकर रख लेती हूँ और इसको इन्जॉय करती हूँ। और सब्ज़ी में अगर आपको टेस्ट लग रहा हो ना फ्रेंड्स, तो भी आप इसको डालकर खा सकते हैं थोड़ा सा, तो बेहद ही टेस्टी लगती है ये। तो बनाकर देखिए मेरी ये लहसुन की सूखी चटनी, और बनाने के बाद में आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। इसको स्टोर कर ले किसी भी ड्राई कंटेनर में, और आराम से 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं बाहर रखकर। बहुत लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रिज में रखकर इसको आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू।